हाँ तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो आज इस वीडियो में ना हम एमसीयू के ऐसे सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आर्मर्स पहनते हैं। अब देखो आर्मर्स तो नॉर्मली बात है, बहुत सारे सुपर हीरोज पहनते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली उन सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जिनके सूट्स में आर्क रिएक्टर लगा होता है। हाँ वही आर्क रिएक्टर जो आयरन मैन के सूट में लगा होता है। अब देखो सिर्फ आर्क रिएक्टर लगाने से हर कोई आयरन मैन नहीं बन जाता, इसलिए ये कैरेक्टर सुपर विलेन भी हो सकते हैं और सुपर हीरोज भी हो सकते हैं। अब मैंने इस लिस्ट को इन कैरेक्टर्स के डेब्यू के हिसाब से बनाया है, मतलब जो कैरेक्टर हमें एमसीयू में पहले दिखाता वो इस लिस्ट में पहले आएगा और जो कैरेक्टर हमें एमसीयू में बाद में दिखाता वो इस लिस्ट में भी बाद में ही आएगा। तो चलिए अब आपको और न पकाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यहां वहां से भटकते हुए हमारी इस वीडियो पर आ गए हैं तो भाई मूवीज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ऑब्वियसली यार एमसीयू में आर्क रिएक्टर वाला सबसे पहला सुपर हीरो तो आयरन मैन ही है, अपने टोनी स्टार्क। आयरन मैन सबसे पहले हमें नजर आया था 2008 में आई मूवी आयरन मैन में, जहां पर टोनी स्टार्क को कुछ टेररिस्ट किडनैप करके एक गुफा में डाल देते हैं और उस गुफा में टोनी स्टार्क अपना सबसे पहला आर्क रिएक्टर बनाता है। वो आर्क रिएक्टर जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अच्छी खासी फैसिलिटी होते हुए भी अपनी लैब्स में नहीं बना पाए, उसे टोनी स्टार्क एक गुफा में बना देता है, जिससे हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क एक बहुत ही समझदार इंसान है। और अगर भाई आप इसकी समझ को अपनी समझ से समझना चाहते हो तो आयरन मैन मूवीज को चेकआउट कर सकते हो। आयरन मैन एक बहुत ही मस्त कैरेक्टर था जिसने 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम में हमसे अलविदा कह दी और आजकल वो स्पाइडरमैन के सपनों में ज़ॉम्बी बनकर आता है। आयरन मॉन्गर ओबादिया स्टैन, अब इस कैरेक्टर ने भी अपना डेब्यू 2008 में आयरन मैन के साथ ही किया था और ये बुड्ढा टोनी स्टार्क की कंपनी को हथियाना चाहता था, इसीलिए ही इसने टोनी स्टार्क को टेररिस्ट से किडनैप करवाया था। पर आयरन मैन अपना मार्क वन सूट बनाकर वहां से निकल जाता है और उसी सूट के बचे हुए टुकड़ों से ओबादिया स्टैन अपने लिए आयरन मॉन्गर का सूट बनाता है, जहां पर लास्ट में आयरन मॉन्गर और आयरन मैन में फाइट भी होती है और ऑब्वियसली आयरन मैन ही जीतता है। अब यही वो मूवी थी जिसमें आयरन मॉन्गर पहली और आखिरी बार नजर आया था, क्योंकि इसके बाद आयरन मॉन्गर ने कभी भी एमसीयू में कमबैक नहीं किया। आइवन एंटोनोविच वैंको एके विप्लैश, ये कैरेक्टर सबसे पहले हमें एमसीयू में नजर आया था 2010 में आई आयरन मैन 2 में, जहां पर ये अपने पिता का बदला लेने के लिए आयरन मैन को मारना चाहता था, पर आयरन मैन अपने आप को मरने नहीं देता। विप्लैश भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सुपर विलेन है। पहले तो ये खुद ही अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि ये अपने सूट को पावर दे सके बिल्कुल आयरन मैन की तरह, और उसके बाद ये जस्टिन हैमर के लिए पूरी एक ड्रोन्स की आर्मी बनाता है। हाँ वो बात अलग है कि ये उन ड्रोन्स को खुद ही कंट्रोल करता है। अब भाई विप्लैश आयरन मैन 2 के बाद हमें एमसीयू में कभी नजर ही नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। जेम्स रोडीज एके वॉर मशीन, वैसे तो ये कैरेक्टर हमें आयरन मैन 1 में ही दिख चुका था, लेकिन ये अपने ऑल्टर ईगो वॉर मशीन का रूप लेता है आयरन मैन 2 में, जिस वजह से मैंने इसे विप्लैश के बाद रखा है। अब वॉर मशीन ने अपना सूट आयरन मैन की तरह खुद नहीं बनाया, बल्कि इसने टोनी स्टार्क का ही एक सूट पहन लिया था, जिसे लेकर ये सीधे जस्टिन हैमर के पास जाता है और जस्टिन हैमर टोनी स्टार्क के सूट को मॉडिफाई करके जेम्स को दे देता है और जेम्स उसे पहनकर बनता है वॉर मशीन। वॉर मशीन बिल्कुल शुरुआत से ही हमें एमसीयू की मूवीज में नजर आया है और इसने बहुत सारे मिशंस पर टोनी स्टार्क की हेल्प भी की है। वैसे अब वॉर मशीन को अपनी खुद की एक वेब सीरीज मिलने वाली है जिसका नाम है आर्मर वॉर्स, और ये कैरेक्टर हमें लास्ट टाइम हाल फिलहाल में आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में नजर आया था। हल्कबस्टर आर्मर, ये आर्मर सबसे पहले हमें 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा था, लेकिन मैं यहाँ पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्कबस्टर आर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो हमें आयरन मैन ही नजर आया था और आयरन मैन को मैं इस लिस्ट में पहले ही काउंट कर चुका हूँ। तो दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नजर आए हल्कबस्टर आर्मर की, क्योंकि उसे अपने डॉक्टर ब्रूस बैनर कंट्रोल करते थे या ऑपरेट करते थे। हल्कबस्टर आयरन मैन का ही बनाया हुआ एक आर्मर है। अब भाई हल्कबस्टर बिना आर्क रिएक्टर्स के तो चलता नहीं, और मैं इस लिस्ट में ऐसे कैरेक्टर्स बता रहा हूँ जिन्होंने आर्क रिएक्टर का यूज किया है, तो इसलिए ब्रूस बैनर भी हमारे इस लिस्ट में शामिल होता है, क्योंकि भाई उसने भी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हल्कबस्टर आर्मर का यूज किया था। हल्कबस्टर आर्मर ने एवेंजर्स एंड गेम में आखिरी बार अपनी झलक दिखलाई थी। पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन, हाँ भाई मैं भी जानता हूँ कि स्पाइडरमैन के सूट्स में आर्क रिएक्टर नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नजर आए आयरन स्पाइडर सूट की। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं मानते कि आयरन स्पाइडर सूट्स में आर्क रिएक्टर्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बात मानते हैं कि इस सूट में आर्क रिएक्टर्स हैं और वो इन छोटे छोटे नीले डॉट्स को ही इस सूट के आर्क रिएक्टर्स बताते हैं। आयरन स्पाइडर सूट में आर्क रिएक्टर्स हैं या नहीं ये बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, इसलिए ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे आयरन स्पाइडर सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आयरन मैन का मार्क 50 था। स्पाइडरमैन का ये सूट लास्ट टाइम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखा था। अब देखते हैं कि इस सूट का कमबैक नो वे होम में होता है या नहीं। पेपर पोर्ट्स एके रेस्क्यू, अब भाई पेपर पोर्ट्स तो शुरुआत से ही एमसीयू की
मूवीज में है। और अगर बात करें रेस्क्यू की तो इसका थोड़ा सा सीन हमें आयरन मैन 3 में भी नजर आया था, जब टोनी स्टार्क पेपर पोर्ट्स को मार्क 42 पहना देता है। अब भले ही आप इस सीन को रेस्क्यू सीन में काउंट करो या नहीं, पर भाई इसमें पेपर पोर्ट्स ने आर्मर पहना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रेस्क्यू का फुल अपीयरेंस हमें देखने को मिला था एवेंजर्स एंड गेम में, जहां पर ये आयरन मैन के साथ मिलकर आउटराइडर्स से लड़ती हैं। रेस्क्यू का सूट आयरन मैन ने खुद ही डिजाइन किया और बनाया है, क्योंकि उसे पता था कि कभी ना कभी पेपर पोर्ट्स को एक आर्मर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और इस सूट में भी एक आर्क रिएक्टर लगा था, जिस वजह से पेपर पोर्ट्स भी हमारे इस लिस्ट में शामिल होती हैं। रेस्क्यू आखिरी बार हमें एवेंजर्स एंड गेम में ही नजर आई थी। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमें आयरन हार्ट सीरीज में नजर आ जाए। और आयरन हार्ट से ही मुझे याद आया, हमारी अगली कैरेक्टर है रिरी विलियम्स, एके आयरन हार्ट। मैं जानता हूँ कि ये सीरीज अभी तक नहीं आई है, पर भाई ये सीरीज चाहे जब भी आए, लेकिन इसके सूट में आर्क रिएक्टर तो होना ही है, तो क्यों ना मैं अभी ही इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लूं। वैसे रिरी विलियम्स एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीनेजर है, जो आयरन मैन के सूट को रिडिजाइन करके अपने लिए आयरन हार्ट का आर्मर बनाती है। अब देखते हैं कि इसकी सीरीज में इसकी ओरिजिन स्टोरी कैसे दिखाई जाती है। तो ये थे वो सभी कैरेक्टर जिन्होंने कभी ना कभी किसी तरह से आर्क रिएक्टर का यूज जरूर किया है। अगर हमने कोई कैरेक्टर मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और मूवीज से रिलेटेड और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।